हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 12th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन दी बुल हेडेड रेल्स और फ्लैट फुटेड रेल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जामिनेशन में इससे रिगार्डिंगली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी बुल हेडेड रेल्स एंड फ्लैट फुटेड रेल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं डिफरेंट बिटवीन दी फ्लैट फुटेड रेल्स एंड बुल हेडेड रेल्स। सबसे पहले मैं आपको जो है इसमें कंपैरिजन करने से पहले आपको BH रेल्स और FF रेल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो BH रेल्स होती है वो बुल हेडेड रेल्स होती है और ये यूज़ होती हैं अभी इंडिया में ओनली फॉर द क्रॉसिंग एंड पॉइंट्स पॉइंट्स और क्रॉसिंग बनाने के लिए ही ये अभी यूज़ होती हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। और फ्लैट फुटेड रेल्स जो है वो FF रेल्स को कहा जाता है। फ्लैट फुटेड रेल्स जो है वो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए अभी हमारे इंडिया में यूज़ हो रही है। अगर आपको इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी जो है इससे लास्ट वाला लेक्चर की वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर देख जाकर आप इसे डिटेल में देख सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बात करें तो बुल हेडर रेल में लेस स्टिफनेस और स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट फुटेड रेल्स। इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होती है। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। वुल हेडेड रेल्स में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है, क्योंकि जैसा मैंने कि बताया इसमें हमें आयरन चेयर्स लगानी पड़ती है इसे फिक्स करने के लिए, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू फ्लैट फुटेड रेल्स इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेस होती है। हालांकि इसमें भी जो है स्टील प्लेट्स, जो स्टील बेयरिंग प्लेट्स है वो लगानी पड़ती है फिक्स करने के लिए। थर्ड है मेंटेनेंस कॉस्ट मोर। इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है, फ्लैट फुटेड में कम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बुल हेडेड रेल्स। फोर्थ है ट्रैक लेइंग। बुल हेडेड रेल्स का जो ट्रैक लेइंग है, जो मेथड है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसे जो ले करना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फ्लैट फुटेड रेल्स जो है उसे हम आसानी से सिंपली तरीके से ले कर सकते हैं और इसे जो है मैनेज करना भी आसान होता है, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो भी एज़ कम्पेयर टू इससे कम होता है। फिफ्थ है फास्टनिंग। बुल हेडेड में मोर फास्टनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें, और इसकी फास्टनिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है, क्योंकि आयरन चेयर्स ज़्यादा हमारी कॉस्टली आती है। फ्लैट फुटेड रेल्स जो है इसके बीच में लेस फास्टनिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसकी जो फास्टनिंग है वो काफ़ी चीपर होती है। सिक्स्थ है रिजिडिटी। रिजिडिटी अगर हम बात करें तो जो एक सॉलिडनेस होती है, जैसे कि कितना वो सॉलिड है हमारा सेक्शन, बुल हेडेड जो है वो लेस सॉलिड होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट फुटेड रेल्स। फ्लैट फुटेड जो है हमारी ज़्यादा रिजिड होगा सर, जो सेक्शन होगा वो। सेवन्थ है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। बुल हेडेड में जो है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्रिएट करना डिफ़िकल्ट अरेंजमेंट होता है इसका, इसमें वो डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम फ्लैट फुटेड रेल्स की पॉइंट्स और क्रॉसिंग बनाएंगे तो वो सिंपलियर होती है। हालांकि जो बुल हेडेड रेल्स है उसे ही यूज़ किया जाता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग बनाने के लिए। इस टर्म को भी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक पूरा यूनिट है जिसके बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स और क्रॉसिंग होता है, जैसे कि आपने रेल में देखा होगा ना, ट्रेन को जो है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में शिफ्ट करने के लिए जो सिस्टम मैकेनिज्म होता है उसे हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग कहते हैं, और इसके बारे में डिटेल में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम। एट्थ है इंस्पेक्शन। बुल हेडेड रेल की इंस्पेक्शन हमें डेली करनी ज़रूरी है, फ्लैट फुटेड रेल्स की जो इंस्पेक्शन है वो डेली करना ज़रूरी नहीं है। नाइन्थ है सूटेबिलिटी। बुल हेडेड रेल्स जो है वो सूटेबल होती है कर्व्ड पोर्शन के लिए, जहाँ पर हमने कर्व्ड पोर्शन जो है क्रिएट करना है, जहाँ पर ट्रेन हमारी कर्व पर मूव करेगी, तो वहाँ के लिए ये रेल्स अच्छी होती है, सूटेबल होती है। फ्लैट फुटेड रेल जो होती है वो बोथ, यानी कि कर्व्ड और स्ट्रेट पाथ, इससे दोनों बनाए जा सकते हैं, जो दोनों के लिए सूटेबल होती है। टेंथ है चेयर्स। बुल हेडेड रेल में चेयर्स की ज़रूरत होती है, फ्लैट फुटेड में चेयर्स की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बट इसमें बेयरिंग प्लेट्स की ज़रूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंगली कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज़ हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हो। फिर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।